हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस. लेसन इन वैल्यू एजुकेशन, लेसन नंबर सिक्स, द हार्ड वर्क. हार्ड वर्क क्या होता है? मेहनत करना. हम अपने काम में हार्ड वर्क लगाएंगे तो हमको सक्सेस मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में. उसको हार्ड वर्क बोला जाता है, मेहनत करना. कोई भी चीज़ में, कोई भी टास्क आपको दिया गया है, वो टास्क में अपना 100% लगाना, वो होता है हार्ड वर्क लगाना. अ स्मॉल स्टोरी. One day Kaif was feeling very bored. As he walked to school through the park, he kicked the stone in his path. एक लड़का है जिसका नाम है कैफ. उसको क्या हो रहा है? वो बोर हो रहा है. देखो पिक्चर में भी बता रहे हैं, वो बोर हो रहा है. वो एक पार्क में आता है और जाके वहाँ पर वो बैठ जाता है. क्या बोलता है सुनिए. स्कूल इज़ सो बोरिंग, ही थॉट, वी हैव टू वर्क सो हार्ड ऑल द टाइम. बोलता है स्कूल कितना बोरिंग है, यहाँ पर कितना हमको हार्डवर्क करना पड़ता है फुल टाइम. ही लुक्ड अराउंड, ही सॉ द बर्ड एंड द बीज फ्लाइंग अबाउट मैरिली एंड द लिटिल स्क्विरल रशिंग हैप्पीली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो आजू बाजू में देखता है तो क्या देखता है? बर्ड्स देखता है. देखो पिक्चर में भी दिख रहा है, बीज फ्लाइंग मैरिली एंड लिटिल स्क्विरल भी दिखती है वहाँ पर. लोग अपना खेल रहे हैं, सब अपने अपना काम कर रहे हैं. हाउ हैप्पी एंड चेयरफुल दे आर, वो लोग कितने खुश है वो बोलता है. He thought they have no work to do. उसको क्या लगता है? इन लोगों को कोई काम नहीं है और सारा काम मुझे ही करना है, इसके लिए उसको बोरियत हो रही है. Kaif decided not to go to school. Instead, he would play with the little bird, bees and the squirrel. वो क्या बोलता है? मैं सोचता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा और मैं इन लोग के साथ खेलूँगा, बर्ड बीज और स्क्विरल के साथ मैं खेलूँगा. He sat down on the ground. A little sparrow hopped over to him. एक स्पैरो आता है वहाँ पे, हॉप करके वो आता है. हेलो चपी, सेड कैप टू द स्पैरो, विल यू प्ले विथ मी. वो उसको हेलो करता है, उसको क्या बोलता है? मेरे साथ खेलोगे. द लिटिल स्पैरो लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज. वो ऐसे अचंबा होके देखते हैं ना हम, सरप्राइज होके कि ये क्या बोल रहा है. प्ले, वॉट डू यू मीन? आई हैव नो टाइम टू प्ले. मतलब आप क्या बोल रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं है खेलने के लिए. Cannot you see that I am busy? आपको दिख नहीं रहा है मैं बिजी हूँ. She began to collect little bits of dry grass and twigs. I am building my nest and I have no time to waste, she said. वो क्या बोलती हैं? मैं छोटे छोटे वो घास के टुकड़े जमा कर रही हूँ, मुझे नेस्ट बनाना है और मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए. आपको दिख नहीं रहा है. Kaif looked at the bee. Hello, Mr. Bee, he said. At a nice big bee sitting on a flower. Will you play with me? वो बी को भी हेलो बोलता है, उसको बोलता है आप मेरे साथ खेलोगे. द बी लिफ्टेड हिज हेड एंड बर्स्ट लाउडली. प्ले, आई कैन नॉट. यू सी डेट आई एम बिजी कलेक्टिंग नेक्टर टू मेक हनी. वो क्या कर रही है? फ्लावर्स में से नेक्टर जमा कर रही है, उसको हनी बनाना है. मतलब वो भी अपना काम कर रही है, वो बिजी है, हार्डवर्क कर रही है वो अपना. माई क्वीन wants it and I have no time for you. मेरी क्वीन को ये चाहिए तो मेरे पास टाइम नहीं है. Sadly, Kaif turned to the bushy tailed little squirrel which was looking at him with a beautiful black eyes. एक स्क्विरल उसको दिखती है वहाँ पर. Bushy tail, are you at least free to play with me? he asked. वो उसको पूछता है कि आप मेरे साथ खेलोगे. Bushy tail shook his head regretfully. I am sorry, but I am collecting nuts to store. वो क्या कर रही है? Nuts collect कर रही है. Otherwise, I will starve during winter. मुझे अपने winter के लिए food, मतलब nuts जमा करके रखते हैं जो लोग winter में खाते हैं. अगर मैं अभी जमा करके नहीं रखूँगी तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा winter season में. I am too busy working. Go and find someone else. मैं busy हूँ, आप किसी और को ढूँढ लो. Poor Kaif, he looked around him. वो आजू बाजू में देखता है. Then he realized that all the animals he could see right from the tiny ants to the large bulls. जो आजू बाजू में जितने भी एनिमल्स वो दिखते हैं, टाइनी एंट हो या तो लार्ज बुल हो, all busy doing their work, no one was idle. मतलब सब अपने काम में बिजी होते हैं, कोई भी खाली नहीं होता है. Kaif realized his mistake. I too must work hard,
ही थॉट एंड रैन टू स्कूल। फिर वो सोचता है कि मैं क्यों बैठा रहा हूँ, मुझे भी हार्डवर्क करना चाहिए जैसे ये लोग सब कर रहे हैं। और सब लोग काम करते हैं, छोटे से छोटा एनिमल हो, बड़े से बड़ा एनिमल हो, छोटी से छोटी मुंगी हो, या बड़ा सा बड़ा कोई बर्ड हो, सबका अपना अपना काम होता है, रूटीन जो रोज़ वो लोग करते हैं, वैसे ही हमारे भी कुछ काम होते हैं जो हमको रोज़ करना है। तो वो ये बात समझ जाता है और उठ कर क्या करता है, वो स्कूल जाता है। तो ऐसे ही आपको भी इससे सीखना है। बाय बाय। ब्लैक आ गया पूरा ये तो।